वैसे आप सभी लोग जानते हो कि अथर्ववैदिक शिक्षा में सबसे अहम ऐसा माध्यम बन चुका है, मुंबई में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अथर्ववैदिक शिक्षा का माध्यम बन चुका है। अलग अलग शिक्षा के कल्पनाएं यहाँ से होती है, वैसे ही अथर्व के माध्यम से इसके पूरे हिंदुस्तान में बसे हुए नए होनहार फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए एक अथर्व ने शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री फिल्म का एक फिल्म फेस्टिवल का प्रयास किया। मुझे लगता है कि हमने देखा कि गांव से लेके पूरे विदेशों तक, हमने तो पहले कहा था कि सिर्फ हिंदुस्तान से अपने अपने छोटे छोटे गांव में रहने वाला नवयुवक या जिसके पास कल्पकता है, अलग अलग किरदार निभाने की क्षमता है, ऐसे लोगों को लेते हुए वो फिल्में बनाए और उसको विदेश में लेके जाने का एक नया प्रयास, अपने देश में बैठे हुए अच्छे नौजवानों को फिल्मों के माध्यम से आने वाले समय में एक नया दालन ये फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से करने का प्रयास अथर्व इंस्टीट्यूट ने किया है। आप सभी ने आज देखा है कि न बल्कि हिंदुस्तान के गांव-गांव में से बल्कि शहरों में से भी यहाँ पर आज फिल्में पहुँची हैं। एक महीने की अपील के पश्चात 350 फिल्में आना, शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ये मानता हूँ कि ये फिल्म फेस्टिवल का ये पहला यश है और आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि छोटे छोटे गाँव से आए हुए नौजवान होनार फिल्म की क्रिएटिविटी जिनके मन में है, जिनके कल्पनाएं हैं, उन्होंने ये फिल्म फेस्टिवल को बड़ी खूबता से निभाया। अथर्व के सभी छात्राओं ने मिलते हुए इसका आयोजन किया, न बल्कि सिर्फ मुंबई में बल्कि हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर जाते हुए पूरे विश्व में इसका नाम आने वाले समय में जाएगा। ये मेरा संदेश आने वाले समय के सभी युवा पीढ़ियों को है। थैंक यू।